Good morning students in the last video we had discussed about nutrition in green plants now students in this video we will be discussing about nutrition in animals you know that animals are heterotroph animals perform the process of heterotrophic nutrition under the section of heterotrophic nutrition animals perform holozoic mode of nutrition so we will be able to understand in this video that वॉट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग होलोजोइक न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें पूरी प्रोसेस को कम्प्लीट होकर बॉडी में फूड को यूटिलाइज होकर एनर्जी रिलीज करने में बेसिकली फाइव स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं देयर आर बेसिकली फाइव स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन दीज स्टेप्स आर ingestion digestion absorption assimilation and ejection now we are going to discuss about all these five points what do you understand by the term ingestion ingestion means द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाई इंजेस्टिव ऑर्गेन ड्यूरिंग न्यूट्रिशन इंजेसन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम अपने किसी पर्टिकुलर इंजेस्टिव ऑर्गेन को यूज करके फूड का इंटेक करता है क्लियर एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड का इंटेक करते हैं बाई यूजिंग इंजेस्टिव ऑर्गेन इंजेस्टिव ऑर्गन मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि माउथ ह्यूमन बींग्स में इंजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसी तरीके से ज़्यादातर एनिमल्स में माउथ ही उनके इंजेस्टिव ऑर्गन्स हैं लेकिन अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करेंगे तो इंजेस्टिव ऑर्गन्स अलग हो जाएंगे क्लियर स्टूडेंट्स नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट डाइजेशन What is the meaning of digestion? When food gets taken by the organism with the help of ingestive organ, this food is basically present in the form of complex matter. Jab इंजेशन की प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म फूड इंटेक करता है अपने इंजेस्टिव ऑर्गेन से तो ये जो फूड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ ये एब्जॉर्बल फॉर्म नहीं होता फूड का इसलिए हम इसे इनसॉलेबल फॉर्म ऑफ फूड कहते हैं लेकिन डाइजेशन की प्रोसेस के समय ये कॉम्प्लेक्स इनसॉलेबल फूड कन्वर्ट होता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन सोलबल फूड इंटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन डाइजेशन की ही प्रोसेस के समय कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है और जब सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है तो यही फूड बॉडी में एब्जॉर्ब होने के आ, में आसानी होती है क्लियर स्टूडेंट्स अगर डाइजेशन की प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझा जाए तो डाइजेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोकेमिकल प्रोसेस फिजियोकेमिकल प्रोसेस में दो वर्ड्स बेसिकली इंक्लूडेड हैं फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज केमिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस में क्या चीज़ें आती हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म फूड को सॉलिड फूड को कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करता है तो फिजिकल प्रोसेस के अंदर उस पर्टिकुलर फूड को चुई किया जाता है ग्राइंड किया जाता है बेसिकली दीज टू टर्म्स आर यूज इन केस ऑफ हायर एनिमल्स जब फूड इनटेक हो जाता है तो फिजिकली उस फूड को इंजेस्टिव ऑर्गन के अंदर चुईंग की जाती है ग्राइंडिंग की जाती है क्रशिंग की जाती है सो so, इन सभी प्रोसेस को हम फिज़िकल प्रोसेस में रखते हैं साथ ही साथ केमिकल प्रोसेस क्या होती है केमिकल प्रोसेस इंक्लूड्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इस प्रोसेस के अंदर जो फूड ची किया गया है जो फूड ग्राइंड किया गया है वो फूड अपने बड़े बड़े पीसेस से केवल छोटे छोटे पीसेस में ही तोड़ा गया है अभी वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है केवल उसके टुकड़े हुए हैं लेकिन केमिकल प्रोसेस के समय उन्हीं पीसेस का एक ऐसा ब्रेकडाउन होता है एंजाइम्स की मदद से ताकि वो पूरी तरह से सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकें फिर से इस बात को समझते हैं डाइजेशन एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है फिजियोकेमिकल प्रोसेस में फिजिकल प्रोसेस भी इंक्लूड होती है केमिकल प्रोसेस भी इंक्लूड होती है फिजिकल प्रोसेस के अंदर फूड के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं मीन्स ग्राइंडिंग क्रशिंग की जाती है फूड की लेकिन केमिकल प्रोसेस के अंदर उस छोटे छोटे टुकड़ों फूड के उस छोटे छोटे टुकड़ों को एंजाइम्स के एक्शन से पूरी तरह से सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस होलोजोइक की हैं ये कुछ लोअर एनिमल्स परफॉर्म करते हैं और हायर एनिमल्स परफॉर्म करते हैं हायर एनिमल्स और लोअर एनिमल्स यानी अगर एनिमल्स का केस देखा जाए तो यहाँ पर जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है मैंने आपको पहले ही वीडियोस में ये बताया था कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की क्या मीनिंग है इंट्रा डाइजेशन की मीनिंग है एक ऐसा डाइजेशन की प्रोसेस जो कि बॉडी के अंदर होती है तो डाइजेशन की प्रोसेस एनिमल्स में कहाँ पर होती है बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में हायर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है और लोअर एनिमल्स की बात करें तो एक सेल अगर है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो भी उसके एक सेल में यानी उसकी बॉडी के अंदर होती है इट मीन्स की होलोजोइक न्यूट्रिशन ओवरऑल इंट्रा डाइजेशन परफॉर्म करता है थर्ड स्टेप पर हम आते हैं एब्जॉर्प्शन फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा इंजेशन सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा डाइजेशन अब हम थर्ड स्टेप पर आते हैं एब्जॉर्प्शन वॉट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड इज रीज अप टू द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी सेल्स एबजॉर्प्शन की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स फूड अगर डाइजेस्ट हो भी गया तो उस फूड को हम डाइजेस्टेड फूड कहते हैं लेकिन डाइजेस्टेड फूड जब तक ब्लड में नहीं पहुँचेगा और ब्लड से वो बॉडी सेल्स में नहीं पहुँचेगा तब तक इस फूड से एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती इसलिए एब्जॉर्बशन एक वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के अंदर ये डाइजेस्टेड फूड जहाँ कहीं भी प्रेजेंट है बॉडी के वहाँ से ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में पहुँच जाता है और ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है सर्कुलेट होती है ये ब्लड ही इस डाइजेस्टेड फूड को अपने साथ कैरी करके बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है तो इस तरीके से एब्जॉर्बशन की मीनिंग क्या निकली डाइजेस्टेड फूड का ब्लड तक पहुंचना और ब्लड पहुंचने के बाद ब्लड उसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करता है क्लियर टू यू एवरी अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप है एसिमुलेशन एसिमुलेशन कौन सी प्रोसेस होती है द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द सेल्स एंड यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एसिमुलेशन एसिमिलेशन का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ को यूज़ करना यूटिलाइज करना यहाँ पर किस चीज़ के यूटिलाइजेशन की बात हो रही है स्टूडेंट्स जो चीज़ ब्लड ने सेल तक पहुँचाने की कोशिश की है वो एक्चुअली में सेल तक पहुँच जाए यानी डाइजेस्टेड फूड को ब्लड सेल तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अब हमारे बॉडी की सेल्स या किसी भी अदर एनिमल की बॉडी का सेल अगर इस डाइजेस्टेड फूड को ले ले और डाइजेस्टेड फूड से जिस भी प्रोसेस से एनर्जी रिलीज़ होती है किस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज़ होती है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जिस भी प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है उस तरीके से उस उस प्रोसेस को परफॉर्म करके सेल के ही अंदर उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज़ कर सके इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं कहने का ये मतलब है कि फूड अगर एब्जॉर्ब हो गए लेकिन यूज़ नहीं हुई यूज़ का मतलब अगर फूड ने रिलीज नहीं की एनर्जी तो वो फूड हमारे किसी काम का नहीं है तो एसिमिलेशन की स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी लास्ट स्टेप पर आते हैं इजेशन हमें पता है कि डाइजेशन की प्रोसेस जब भी हुई होगी कुछ फूड के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि डाइजेस्ट हो जाते हैं कुछ फूड प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहते हैं उस फूड को हम अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड एक्चुअली में होता क्या है अनडाइजेस्टेड फूड वो फूड है जो कि डाइजेशन के समय डाइजेस्ट नहीं हो पाया है तो इजेशन की प्रोसेस की मीनिंग क्या है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से रिमूव करता है या तो फीकल मैटर के फॉर्म में या किसी भी रेजिडुअल फॉर्म में वो अपनी बॉडी से रिमूव करता है उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं सो so, स्टूडेंट्स इस पूरे होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने फाइव स्टेप्स पढ़ा इंजेशन जिसमें फूड इनटेक की जाती है इंजेशन के बाद डाइजेशन वो कॉम्प्लेक्स फूड सॉलिड से और लेस एब्जॉर्बेबल फॉर्म से एब्जॉर्बल फॉर्म में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होती है एब्जॉर्बशन की प्रोसेस में जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो फूड ब्लड तक पहुंचाया जाता है ब्लड से फिर ऐसी की प्रोसेस के समय वो सेल्स तक पहुंचकर यूटिलाइज्ड होता है यूटिलाइज्ड होने के बाद एनर्जी रिलीज करता है और इजेशन में वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और इन सभी पूरी पांचों स्टेप्स के बाद न्यूट्रिशन की प्रोसेस ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर लेता है क्लियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर न्यूट्रिशन इन लोअर एनिमल्स इस पूरे सेक्शन में हम एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं पर हमें पता है कि एनिमल्स की भी दो तरीके की कैटेगरी होती है कुछ एनिमल्स जो जिनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिन्हें हम लोअर एनिमल्स कहते हैं और कुछ एनिमल्स जो कि हायर कहे जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है तो पहले अगर हम न्यूट्रिशन लोअर एनिमल्स की बात करें तो आपके सिलेबस में लोअर एनिमल्स में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन डिस्कस किया गया है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी अमीबा के बारे में आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा क्योंकि एनिमल है अमीबा तो ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है लेकिन इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये फाइव स्टेप्स बहुत ही सिंपल तरीके से होती हैं क्योंकि एमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी वन सेल से बनी होती है और यही वन सेल इन सभी स्टेप्स को परफॉर्म करती हैं तो चलिए स्टूडेंट्स इसको क्लियर करते हैं कि लोअर एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एमीबा आपको पता है कि वन सेल ऑर्गेनिज्म है इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता मैंने ये इसकी बॉडी में न्यूक्लियस को दिखाया है और ये इसकी बॉडी में लाइजोजोम दिखाया है आपको पता है कि यूनिसेल्यूलर तो है लेकिन यू है अमीबा और उसमें सभी सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं मैंने केवल विजिबल किया है एक सेल ऑर्ग्निल को जिसे हम लाइजोजोम्स के नाम से जानते हैं अब होता क्या है अमीबा पौंड वाटर में पाया जाता है पॉन्ड के अंदर इसकी जो हैबिट होती है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करके डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है सपोज ये एमीबा का फूड है वाटर के अंदर एमीबा जब भी फूड के आ, करीब पहुंचता है सबसे पहले उसकी बॉडी से उसके बॉडी का जो साइटोप्लाज्म होता है वो मूव करके एक फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन करता है उस को -like को हम कहते हैं। के बारे में में आपने सुना है कि एक false feet होता है, अमीबा की में होता है। है, कि एक होता होता की की मदद से अमीबा इस को से इस पूरी तरह कर लेता है। और ट्रैप करके प्लाज्मा की वॉल डिजॉल्व होती है और यह फूड एंटर कर जाता है इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं जैसे ही यह ट्रैप करता है अमीबा फूड को और बॉडी के अंदर एंटर करती है फूडेस को हम कहते हैं इंजेशन इंजेशन की प्रोसेस के बाद डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है डाइजेशन की प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है लाइजोजोम्स जो होती हैं वो बॉडी में फूड के चारों तरफ एक वेक्यूल का फॉर्मेशन कर लेती हैं एक्चुअली में फूड के चारों तरफ एक फूड वेक्यूल बन जाती है फूड वेक्यूल को हम फेगोजोम भी कहते हैं क्योंकि फूड वेक्यूल एक वो वेसिकल लाइक -like स्ट्रक्चर होता है जिसमें लाइजोजोम्स होती हैं अलॉन्ग विथ फूड वैक्यूल लाइजोजोम्स कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करती हैं और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो पूरी तरह से सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है जब ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से तो हम कहते हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई क्लियर स्टूडेंट्स तब हम कहते हैं कि डाइजेशन कंप्लीट हो गई अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर जब ये फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो अब बॉडी इसे क्या करेगी एब्जॉर्ब करेगी बेसिकली एब्जॉर्बशन के समय ऑस्मोसिस की प्रोसेस या फिर अगर सॉलिड फूड है ये तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी और डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये डाइजेस्टेड फूड एमीबा की बॉडी में साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है क्योंकि एमीबा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी में ब्लड के बारे में नहीं बताया गया है सिर्फ इसकी बॉडी में साइटोप्लाज्म ही होता है इसलिए ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्बशन के समय साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ रखा है उन प्रोसेसेस को यूज करके ये डाइजेस्टेड फूड पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है तो हम कहते हैं एब्जॉर्बन की प्रोसेस हो गई है क्लियर स्टूडेंट्स अब बात आती है एसिमिलेशन की एसिमिलेशन का मतलब होगा कि अगर फूड एब्जॉर्ब हुई है तो बॉडी ने उसे यूटिलाइज किया होगा तो इसमें आपको एसिमिलेशन होता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा है लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर टर्म लिखा है ग्रोज इन साइज यानी एमीबा जो है वो साइज में ग्रो कर गया है आपको पता है जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रोथ होती है और ग्रोथ यहाँ पर साइज के बढ़ने से बताया गया है तो एसीमिलेशन इसका मतलब कि एसिमिलेशन की प्रोसेस हो गई अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज ग्रो कर रही है इट मीन्स उसकी बॉडी में एनर्जी उसे फूड से मिल रही है तो इस डायग्राम में यही चीज बताई गई है कि जब भी डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म तक पहुंचा होगा वो साइटोप्लाज्म पूरी बॉडी तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करके एनर्जी रिलीज की होगी और उस एनर्जी को लेकर बॉडी ग्रो की होगी तो एसिमिलेशन इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है लास्ट स्टेप लास्ट स्टेप इज इजेशन इजेशन की स्टेप में क्या होता है जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिस तरीके से फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से फूड अंदर आया था ठीक इसी तरीके से एक्सोसाइटोसिस आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा एक्सोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिससे कोई भी चीज बॉडी के अंदर से बाहर जो है सेल की सेल से बाहर भेजी जाती है एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है और इस रिलीज होने के बाद यानी अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो गया है बॉडी से इसे हम इजेशन कहते हैं आई होप कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल्स स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स थैंक यू स्टूडेंट्स